टैलेंट फैक्ट्री एंटरटेनमेंट नागपुर मेकअप आर्टिस्ट के लिए नागपुर का पहला टीवी रियलिटी शो ला रहा है, जिसे सेंट्रल इंडियाज बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का नाम दिया है। इसका प्रीमियर नागपुर के स्थानिक चैनल इनबीसीएन पर होगा। टीम टैलेंट फैक्ट्री एंटरटेनमेंट नागपुर के पहले टीवी रियलिटी शो को लेकर बेहद उत्साहित है। इस कार्यक्रम का संचालन नागपुर के सेलिब्रिटी एंकर परेश जाटवे करेंगे। इस उल्लेखनीय रियलिटी शो का उद्देश्य उन सभी भावुक मेकअप कलाकारों को एक सुनहरा अवसर प्रदान करना है जो मेकअप क्षेत्र में एक मील का पत्थर तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। जो शो है वो तो क्रिएटिव लोगों का है, तो क्रिएटिव का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और क्रिएटिव की कोई एज नहीं होती। क्रिएटिव होना चाहिए बस, चाहे वो एक साल का हो या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस हो, मायने नहीं करता। ये जो शो है वो सभी उन पार्टिसिपेट्स के लिए जो क्रिएटिव आइडियाज अपने लगाने वाले मेकअप। ऐसे मैं आपको बता दूं, बताते हुए काफ़ी खुशी भी होती है कि ये पहला ऐसा टीवी रियलिटी शो है जो आपके नागपुर का है। जी हाँ, अपनी विदर्भ की मिट्टी का है। दूसरी बात, हिंदुस्तान का भी ये पहला टीवी रियलिटी शो है जो एक मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड है। इसके पहले आपने काफ़ी सारे शोज देखे हैं, डांस इंडिया डांस, सारे गमापा, इंडियन आइडल। तो ये जो टैलेंट बेस्ड शो है, तो उसी तरीके से हम भी एक टैलेंट बेस्ड शो कर रहे हैं, पर इसमें टैलेंट होगा मेकअप से रिलेटेड। जी हाँ, ये ऑन ब्रॉडकास्टिंग इसका पार्टनर है बीसीएन न्यूज़, जहाँ पर ये 24 एपिसोड इसके नज़र आने वाले हैं। ऑल ओवर महाराष्ट्र ये प्रदर्शित होने वाला है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि टैलेंट फैक्ट्री इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये पहला टीवी रियलिटी शो है, साथ ही इन एसोसिएशन विद श्री जैन मेकओवर, जहाँ से श्री जैन मैम जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, नागपुर के काफ़ी ऐसे नाम हैं जो हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं तो बोल भी नहीं पाता हूँ, पर फिर भी कुछ कुछ नाम याद है, पर नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी का छूट ना जाए। तो जितने भी नागपुर के बड़े मेकअप आर्टिस्ट है वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली ये एक रियलिटी शो है। हम सब जानते हैं रियलिटी शो कैसा होता है, जो पार्टिसिपेंट सारे साथ में रहते हैं, उनको काफ़ी सारे टास्क मिलते हैं उनके फील्ड से रिलेटेड। जैसे हम सब ने मास्टर शेफ़ देखा है, हम सब ने रोडीज देखा है। जैसे मास्टर शेफ़ में काफ़ी सारे शेफ सिलेक्ट होके आते हैं और वो अपनी स्किल्स दिखाते हैं, तो सेम कंसेप्ट हम मेकअप आर्टिस्ट के लिए लेकर आए हैं। देखा जाए तो ये बहुत यूनिक और सबसे पहला ये शो होने वाला है, टीवी रियलिटी शो नागपुर का, और मेकअप आर्टिस्ट के लिए इंडिया का पहला शो होने वाला है। तो बेसिकली नागपुर वासियों के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए, क्या पूरे इंडिया के मेकअप आर्टिस्ट के लिए, ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।